ये देखिएगा, इस तरफ चलियाना और दूसरी तरफ इंडिया इस नदी के यानी कि नीलम वैली के, इंतहाई खूबसूरत। ये देखिएगा सामने इंडिया का झंडा और मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ। एक अजीब सा एहसास हो रहा है, दिल तो कर रहा है कि इस वक्त जो है ना मैं ये सारा एरिया हासिल कर लूँ किसी न किसी तरीके से, लेकिन शायद नहीं कर सकता इस वक्त मैं। मैं इस वक्त नईम अहमद से मुखातब हूँ जो कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले और यहाँ पे जलियाना में पहुँच चुके हैं और उनके सामने ये इंडिया का परचम हिला रहा है, दूसरी तरफ इंडिया और इस तरफ जलियाना पाकिस्तान है, उस तरफ टीट वाला है। तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि इनके क्या एहसास है, ये आज़ाद कश्मीर के हैं, क्या कहना चाहते हैं नईम साहब आप इस बारे में? देखें कमरान यार, यहाँ पे हम अभी जलियाना में खड़े हैं जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की वादी है और दूसरी तरफ सिर्फ एक दरिया से पार जो है वो एक टीट वाल जो हमारे कश्मीर की जी जी वादी है। तो इस टाइम यकीन करें कि जो एहसास हैं वो इंतहाई रंजीदा हैं और गमगीन हूँ। हालांकि मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं और वो ये देखने आए हैं, लेकिन बाहसियत कश्मीरी आज यही है, मैं इस जगह खड़ा हूँ ना तो अंदर से आंसू गिर रहे हैं और बड़े ही एहसास में अपने बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह दिल के दो टुकड़े हो जाएं और एक टुकड़ा उस तरफ है दरिया के और एक टुकड़ा इस तरफ है, तो हमारा कश्मीर इन जालिमों के हाथ में। तो बड़ा ही दुखी हो के अल्लाह ताला से मैं दुआ गो कि या अल्लाह कुछ कोई कासम इन गैप बेच जो हमारे इस कश्मीर को भी हमारे साथ जोड़ दे। और मैं एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ कि दुआ करें हमारे इस कश्मीर के लिए। ये लोग हमारे अपने, इनकी सकाफत हमारी सकाफत के साथ मिलती है, इनका मज़हब, ये भी लोग मुसलमान हैं उस तरफ ये भी हैं। लेकिन इस वादी में जब मैं इस झंडे को देखता हूँ जो कि इंडिया का झंडा है, तो यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है और मैं अल्लाह ताला से फिर दुआ करूँगी अल्लाह हमें आज तो उन्हें इधर लाया, एक दिन आए हम अपने उस कश्मीर में पाँव रख सके और वो इंशाल्लाह दिन आएगा। हमारा इंशाल्लाह अज़म और जज्बा हमारा मजबूत है, जिंदा है जी इंशाल्लाह। और कोई जम्मू कश्मीर नहीं है, कोई आज़ाद कश्मीर नहीं है, पूरा कश्मीर हमारा है इंशाल्लाह हासिल करेंगे जी।